सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। मसौदा कानून के तहत किसी भी तरह का तीन तलाक बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गैर कानूनी होगा। तीन तलाक पर प्रस्तावित एक कानून के मसौदे में कहा गया है कि एक बार में तीन तलाक गैर कानूनी होगा और ऐसा करने वाले पति को 3 साल के जेल की सजा हो सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि मसौदा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक शुक्रवार को राज्य सरकारों के पास उनकी राय जानने के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से मसौदे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का मानना था कि यह परंपरा बंद हो जाएगी, लेकिन यह जारी रही। इस साल फैसले से पहले इस तरह के तलाक के 170 मामले, जबकि इस फैसले के बाद 66 मामले दर्ज हुए। तीन तलाक पर प्रस्तावित नए कानून से जुड़ी अहम बातें। पॉइंट नंबर 1, यह मसौदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले एक अंतर मंत्री समूह ने तैयार किया है। इसमें अन्य सदस्य विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री रविशंकर प्रसाद और विधि राज्य मंत्री पीपी चौधरी थे। पॉइंट नंबर 2, प्रस्तावित कानून एक बार में तीन तलाक या तलाक के बिद्दत पर लागू होगा और यह पीड़िता को अपने तथा नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने की शक्ति देगा। पॉइंट नंबर 3, इसके तहत पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी अनुरोध कर सकती है और मजिस्ट्रेट इस मुद्दे पर अंतिम फैसला करेंगे। पॉइंट नंबर 4, मसौदा कानून के तहत किसी भी तरह का तीन तलाक बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गैर कानूनी होगा। पॉइंट नंबर 5, मसौदा कानून के अनुसार एक बार में तीन तलाक गैर कानूनी और शून्य होगा और ऐसा करने वाले पति को 3 साल के कारावास की सजा हो सकती है या गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होगा। पॉइंट नंबर 6, प्रस्तावित कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होना है। पॉइंट नंबर 7, तलाक और विवाह का विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और सरकार आपातकालीन स्थिति में इस पर कानून बनाने में सक्षम है, लेकिन सरकार या आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्यों से सलाह करने का फैसला किया। पॉइंट नंबर 8, अधिकारी ने कहा कि इसे संसद के शीतकालीन सत्र में लाने की योजना है। पॉइंट नंबर 9, संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा और 5 जनवरी तक चलेगा। पॉइंट नंबर 10, पिछले दिनों गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि यह भारत के लोगों की मजबूत इच्छा है कि संसद तीन तलाक और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इन दोनों मुद्दों पर कानून बनाए और सरकार इस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।